Okay, I hope this fetal circulation topic is very clear to you. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Okay, so next topic which we are going to learn is breastfeeding. It is also another important topic जो कि हमारा एग्जाम्स में थ्योरिक पार्ट पे बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो व्हाट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट नेचुरल फीडिंग एंड द ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क फॉर एन इन्फेंट. ये सभी को पता है ये बेस्ट मिल्क है. देन सो व्हाट इज़ डेफिनेशन? ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द फीडिंग ऑफ एन इन्फेंट विद द ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मदर, नॉट फ्रॉम एनी बॉटल और कंटेनर. ओके, सो ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? फीडिंग एक इन्फेंट का डायरेक्टली फ्रॉम द breast of the mother, okay, not from any bottle or any container. Next is advantages, kya kya hota hai breastfeeding ka. So there are benefits for the mother, for babies and for the communities. ये आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों लिखना है, advantages for mother, advantages for babies and advantages for community. So first advantage हमारा nutritive value. जैसे कि हमें सबको पता है कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग, और जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है. सो इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन नीडेड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ. सो ब्रेन ग्रोथ में भी हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ लैक्टोज और गैलेक्टोज होता है. इट फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड इट कंटेन्स वेरियस अमीनो एसिड, टोरीन, सिस्टीन विच आर इम्पोर्टेंट न्यूरल ट्रांसमीटर. सो एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बनता है कि इट प्रोवाइड हाउ मच कैलोरीज प्रोवाइडेड बाई 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. तो कितना? 66 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, 1.2 ग्राम प्रोटीन्स एंड 3.8 ग्राम फैट्स. सो नेक्स्ट इज डाइजेस्टेबिलिटी. सो ब्रेस्ट मिल्क इज ईजिली डाइजेस्टेबल होता है. And the proteins of breast milk like lactoalbumin, lactoglobulin, which form soft curds, which are easy to digest. Okay, जो enzyme lipase भी होते हैं breast milk में हमारा, जो help करता है digestion of fats and provides free fatty acids. So what are the advantages? अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने? Nutritive है, then easily digestible है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव वैल्यू. अभी जो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन्स मिलता है? IgA, IgM एंड वेरियस मैक्रोफेजेस भी होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, लाइसोजाइम्स एंड इंटरफेरोन्स. सो इससे क्या होता है? बेबी को लेस चांस होते हैं RTI और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के. ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बेबी हैज लेस चांस ऑफ डेवलपिंग माल न्यूट्रिशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, चाइल्डहुड लिम्फोमा एंड डेंटल कैरिस. सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमारा कितने उस तक होता है? इट इज़ फॉर 6 months. ठीक है, 6 months तक एक मदर जब ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. नेक्स्ट एडवांटेज इज साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स. सो इट प्रमोट्स क्लोज फिजिकल एंड इमोशनल बॉन्डेज विद द मदर बाय फ्रीक्वेंट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. सो मदर एंड बेबी के बीच में साइकोलॉजिकल कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, बॉन्डेज बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज मेटर्नल बेनिफिट्स. सो जो ब्रेस्ट फीडिंग है इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ PPH, हेल्प्स इन बेटर यूट्राइन इन्वोल्यूशन. देन जो लैक्टेशनल अमोनोरिया होता है इट हेल्प्स इन प्रमोट्स द रिकवरी ऑफ आयरन स्टोर. जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर आयरन स्टोर लूज कर चुके होते हैं लैक्टेशनल अमोनोरिया में, वो रिस्टोर हो जाते हैं. देन इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर इन द मदर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये याद रखना है. ठीक है, द नेक्स्ट इज फैमिली एंड कम्युनिटी बेनिफिट. इट इज़ इकोनॉमिकल, लाइक ब्रेस्ट मिल्क इज फ्री फॉर द बेबी. ठीक है, आपको एक्स्ट्रा मनी या फिर आपका मनी स्पेंड नहीं करना उस चीज़ पे, है ना. इट सेव्स मनी, टाइम्स एंड मनी. फैमिली हैज़ टू स्पेंड लेस मनी ऑन मिल्क, हेल्थ केयर और इलनेस, बिकॉज ये इलनेस से भी तो प्रोवाइड करेगा ना बेबी को, तो उस पर भी मनी आपका बचेगा. देन कम्युनिटी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर एंड कॉन्ट्रासेप्टिव इज रिड्यूस. क्योंकि हमारे जब मदर लैक्टेशनल एम्नियोनिमा होता है तो इट इज़ अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव. सो कम्युनिटी का जो हम कॉन्ट्रासेप्शन पर हम जो मनी स्पेंड करते हैं कम्युनिटी, तो वो बचेगा. ठीक है, सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. देन इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हमें कब इनिशिएट करना है? सो इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी विद इन फर्स्ट हाफ एन आवर टू 1 hour और एज सुन एज पॉसिबल. कब स्टार्ट करना है? अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ तो विद इन हाफ एन आवर टू 1 hour. इफ़ मदर और बेबी दोनों ठीक है तभी हम ये स्टार्ट करना है. इन LSCS विद इन 4 hours. ठीक है,
If mother and baby both are having, no problem. Okay? If mother और baby दोनों stable है तो हम start कर सकते हैं. In case of preterm babies or sick babies, being in special care unit, they should be fed with express breast milk. तो express breast milk कैसे, अगर baby मान लो sick है और वो NICU में है, तो क्या कर सकते हैं कि mother जो है अपना breast milk को express करके वो हम baby को दे सकते हैं. Okay? Then next is indications of adequacy of breastfeed. आपको कैसे पता चलेगा कि baby ने adequately breastfeed किया है? So audible swallowing sound present होगी during the feed. Let down sensation mother को feel होगा कि yes baby is swallowing well. Then breast is full before feed and softer afterward. Baby को feed करने से पहले breast आपको full लगेगी mother को. Then अगर baby ने अच्छे से लिया है तो mother का जो ब्रेस्ट है वो सॉफ्ट हो जाएगा. वेट नैप इज 6 or more in 24 hours. अगर बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड करेगा तो नैप इज ज़्यादा वेट होएगी, दैट इज 6 or more. तो वो क्या है, एडिक्वेट है. देन फ्रीक्वेंट सॉफ्ट बाउल मूवमेंट्स होगा. एवरेज वेट गेन होगा 18 to 30 grams per day. बेबी स्लीप्स वेल एंड डज नॉट क्राई फ्रीक्वेंटली. बेबी हैज़ गुड मसल टोन एंड हेल्थ स्किन. सो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें देखना है वो है कि वेट गेन है और फ्रीक्वेंट वेट नैपीज एंड सॉफ्ट बाउल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. सो हमने डिफरेंट कंपोजिशंस पढ़ा है. फर्स्ट है हमारा कोलेस्ट्रम. कोलेस्ट्रम क्या होता है, इट इज़ सिक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी एंड इट इज़ वेरी थिक येलो, स्मॉल इन क्वान्टिटी होता है ना, एंड इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस. ये बहुत सारे मिथ्स है कि इसको फेंक देना चाहिए, बट इट शुड बी गिवन टू द चाइल्ड. ठीक है, चाइल्ड को देना है. देन सेकेंड इज ट्रांजिशनल मिल्क. इट फॉलोज कोलेस्ट्रम एंड सिक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 weeks ऑफ पोस्टनेटल पीरियड. इसमें क्या होता है, एक ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, फैट एंड शुगर कंटेंट का, और डिक्रीज अमाउंट किसका होता है, प्रोटीन्स एंड फैट्स का. जबकि कोलेस्ट्रम में हमारा प्रोटीन्स और फैट सोलेबल वाइटामिन ज़्यादा थे. देन वाट इज मेच्योर मिल्क. मेच्योर मिल्क होता है विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम 10 to 12 days आफ्टर डिलीवरी. ये वाटरी होता है बट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बेबी. नेक्स्ट इज प्रीटर्म. प्रीटर्म इज द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय अ मदर हु डिलीवर्ड अ प्रीटर्म बेबी. अगर किसी मदर ने प्रीटर्म डिलीवरी किया है तो उसका जो मिल्क होगा वो उसको हम बोलते हैं प्रीटर्म मिल्क. ओके, नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट मिल्क, फोर मिल्क एंड द हिंड मिल्क. फोर मिल्क क्या होता है, जो कि हमारा जब रेगुलरली ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करते हैं मदर, अभी बेबी को फीड करना स्टार्ट किया, तो जो स्टार्टिंग में मिल्क आता है उसको हम बोलते हैं फोर मिल्क. ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटरी कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है, ये बेबी का थर्स्ट को सेटिस्फाई करता है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन फोर मिल्क एंड हिंड मिल्क. और हिंड मिल्क क्या होता है, मान लो अभी मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है, जो मदर के एंड में जो होगा रेगुलर ब्रेस्ट फीड के, उसको बोलते हैं हम हिंड मिल्क. और इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, मोर फैट्स एंड एनर्जी, जो बेबी के हंगर को सेटिस्फाई करेगी. क्लियर. नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. सो मदर शुड बी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स. सबसे पहले कंफर्टेशन. ठीक है, कंफर्टेबल होनी चाहिए मदर, रिलैक्स होनी चाहिए. देन मदर को अपना हैंड वॉश करना एंड कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और मिल्क. ठीक है, मदर को अपना सारा काम खत्म करके बेबी के पास आना. ठीक है, देन सेकेंड इज पोजिशन. करेक्ट पोजिशनिंग इज इम्पॉर्टेंट. लाइक मदर कैन बी इन अ सिटिंग पोजिशन और कैन बी इन अ साइड लाइन पोजिशन. बेबी शुड बी सपोर्टेड बाई मदर फोर आर्म. जैसे यहाँ पे मदर ने सपोर्ट कर रखा है, तो बेबी शुड बी सपोर्टेड बाई मदर फोर आर्म. इन स्लाइडली हेड एलिवेट रखना है बेबी का, विद हेड नेक एंड बैक इन अ स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट इज लैचिंग और द साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट. दे आर 4 signs ऑफ गुड अटैचमेंट. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके थ्योरी एग्जाम से. सो वाट आर द 4 signs ऑफ गुड अटैचमेंट. फर्स्ट है बेबी चिन टचेज द ब्रेस्ट एंड चिक्स टचेज द निप्पल. देन सेकेंड, बेबी माउथ वाइड ओपन होना चाहिए. थर्ड, ब्रेस्ट एरियोला कंप्लीटली इन बेबीज माउथ. एंड फोर्थ, बेबीज लोअर लिप टर्न आउटवर्ड. अभी हम इसका एक पिक्चर देखेंगे. सो ये है साइंस ऑफ करेक्टर. ये मदर का ब्रेस्ट है, तो इसमें जो एरियोला है वो कम्प्लीटली बेबी के माउथ में होना चाहिए. अगर वो कम्प्लीटली नहीं है तो वो इट इज़ अ पुअर लैचिंग. ठीक है, मोस्ट ऑफ इट इज डन इनसाइड द माउथ. देन सेकेंड, नोज हमारा जो है फ्री होना चाहिए ब्रीथिंग के लिए, कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए बेबी को. देन लिप्स आर टर्न आउटवर्ड. जब बेबी माउथ ओपन करेगा तो लिप्स जो है वो आउटवर्ड होना चाहिए. देन चिन शुड टच द ब्रेस्ट ऑफ द मिल्क.
एंड माउथ शुड बी वाइड ओपन होना चाहिए. व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नेक्स्ट, कौन मदर ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती, दोज आर गैलेक्टोसीमिया एंड फिनाइल क्यूटिन्यूरिया. सो दीज आर द ट्रू कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. फर्स्ट इज द बेबी हु डज नॉट सकल, जो बेबी सकल नहीं करता, तो व्हाट आर द नर्सिंग इंटरवेंशंस यू कैन डू. सो फर्स्ट इज गिव व्हेन बेबी इज अलर्ट एंड रेडी. सो बेबी जब सकल नहीं करता खुद से, तो हमें बेबी को तभी ब्रेस्ट फीड कराना है व्हेन बेबी इज अलर्ट और बेबी रेडी हो. ठीक है, मिल्क हम एक्सप्रेस कर सकते हैं निपल पे पहले, ताकि बेबी को थोड़ी स्वेलोइंग या फिर सकलिंग जो सेंसेशन है आ सके. निपल प्लेस स्लाइटली अपवर्ड टूवर्ड्स द रूफ ऑफ बेबी माउथ, ताकि बेबी को ईजी हो सके. ठीक है, नेक्स्ट है बेबी हु रिफ्यूज्ड ऑन ब्रेस्ट. सो हमें होल्ड करना है बेबी को कंफर्टेबल पोजिशन में, मे बी बेबी कंफर्टेबल नहीं हो इसलिए वो मना कर रहा हो. अवॉइड करना है प्रेशर ऑन पेनफुल एरियाज, मे बी दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पोजिशन. ओके, एक्सप्रेस करना है फीट टू मेंटेन द लैक्टेशन. ओके, दिस ऑल इंटरवेंशंस यू कैन डू टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स इन ब्रेस्ट फीडिंग. नेक्स्ट इज इन्वर्टेड निप्पल, इफ मदर इज हैविंग इन्वर्टेड निप्पल तो आप क्या कर सकते हो. निप्पल इज स्ट्रेच एंड रोल्ड आउट, पंप और प्लास्टिक सिरिंज इज यूज टू ड्रॉ आउट द निप्पल. सो ये नर्सिंग इंटरवेंशन है, आपने 10 ml का या 15 ml का एक सिरिंज ले लिया, उसको इधर से हमें कट करना है. ठीक है, देन कट करके हमें जो ये माउथ है इसका, ये प्लेस करना ओवर द निप्पल ऑफ द मदर, एंड देन हम इस प्लंजर को पुल करेंगे. सो ये इन्वर्टेड निप्पल जो है बाहर हो जाएगा. ओके, रोल आउट हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट इज सोर निप्पल. सो अगर मदर का निप्पल सोर है तो बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा. सो मदर को क्या बोलना है, फ्रीक्वेंट वॉशिंग जो है वो अवॉइड करना है. निप्पल शुड बी एयर्ड एंड अलाउड टू हील इन बिटवीन द फीड. ठीक है, देन ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट. सो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट किनको होता है, लाइक जो मदर फीड नहीं कर रही है ना, बट उनका मिल्क बन रहा है, तो फ्रीक्वेंट फीडिंग एंड करेक्ट अटैचमेंट देने हैं. अगर फ्रीक्वेंट फीडिंग मदर करेगी तो ब्रेस्ट इंगॉर्ज नहीं होगी, बट अगर मदर का ब्रेस्ट इंगॉर्ज हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, लोकल वार्म अप्लीकेशंस कर सकते हैं या फिर एनल्जेसियास और मिल्क टू बी एक्सप्रेस जेंटली. नेक्स्ट इज ब्रेस्ट एब्सेस, अगर एब्सेस है तो ट्रीटमेंट टू बी डन विद इन एनल्जेसिक्स 7 days एंटीबायोटिक्स एंड मे नीड IND इंसीजन एंड ड्रेनेज. ब्रेस्ट फीडिंग टू कंटिन्यू फ्रॉम अदर ब्रेस्ट से हमें कंटिन्यू रखना है. ठीक है, आई होप दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर टू यू. सो हमने क्या क्या पढ़ा ब्रेस्ट फीडिंग में, ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 5 or 10 marks का थ्योरी पेपर में आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद करना. ब्रेस्ट फीडिंग का डेफिनेशन, इट शुड बी डन डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मिल्क नॉट फ्रॉम एनी बॉटल. देन एडवांटेजेस वी हैव लर्न, दैट इज न्यूट्रिटिव, डाइजेस्टिबिलिटी, प्रोटेक्टिव, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, मेटर्नल एंड फैमिली एंड कम्युनिटी बेनिफिट्स हैं. देन इनिशिएशन, when the breastfeeding should be initiated within 30 minutes to 1 hour. okay, then indicators of adequacy of breastfeeding, main kya hai hamara, baby ka average weight gain and frequent bowel movements. then different composition padha, first jo milk hota usko hum kya bolte hain, colostrum. then difference between fore milk and hen milk, fore milk is secreted at the starting of the regular breastfeeding and hen milk at the end of regular breastfeeding. फोर मिल्क क्या करता है, मोर वॉटरी होता है, सेटिस्फाई करता है थर्स्ट को. हिन मिल्क इज मोर इन फैट्स एंड एनर्जी, तो इट सेटिस्फाई द हंगर ऑफ द बेबी. टेक्निक्स हमने पढ़ा, मदर शुड बी कंफर्टेबल, पोजीशन ऑफ द बेबी एंड फोर साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट वी हैव लर्न्ड. देन व्हाट आर द ट्रू कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इज गैलेक्टोसीमिया एंड फिनाइल क्यूटिनुरिया, एंड प्रॉब्लम्स के लिए आपको क्या क्या इंटरवेंशन करनी है वी हैव लर्न्ड. ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. फीटल सर्कुलेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग आपको क्लियर होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू सो मच.